हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा एपिक होने वाला है क्योंकि आज हम खेल रहे हैं बकशॉट रूलेट। मैंने बहुत सारे लोगों को ये गेम खेलते हुए देखी है और इतना इडियोटिक तरीके से खेलते हैं ना वो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एकदम पीरो गेम प्ले, एकदम हाईली एडवांस मैथ्स के साथ प्रोबेबिलिटी का यूज करते हुए। शुरू करते हैं। अगर तुम लोगों को पता नहीं है ना कि ये किस टाइप की गेम है तो मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें मूव नहीं कर सकते, WASD से चलाना, सिर्फ माउस से मूव कर सकते हैं। ओ भाई, यहाँ तो पूरा क्लब चल रहा है। हाय म्यूजिक, मजे आ रहे हैं भाई, बहुत बहुत बढ़िया। तो अब हमें लगता है इस गेट पे जाना है। बहुत देर म्यूजिक सुन लिया। तो ये है डीलर, हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। एंटर नेम, नेम डालना है यहाँ पे हमारा, ये ठीक रहेगा। ओके भाई, नेम तो डाल दिया। तीन लेवल्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और फर्स्ट लेवल पे हमें 2 लाइफ मिली है सिर्फ। ये चीज मुझे ध्यान रखनी है कि जो ब्लैंक्स और लाइफ शॉट कितने हैं। ये जो डीलर है वो किसी भी ऑर्डर में डाल सकता है ब्लैंक्स और शॉट को। अब है ना, हमें रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है इस गेम में। बिना रिस्क लिए हम इस गेम को नहीं जीत सकते। अगर कोई ये सोचता है ना कि वो हर एक शॉट मार डाले डीलर पे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये गेम प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है और तुम्हारे लक पे भी। अब उसमें 2 ब्लैंक्स और 1 लाइव शॉट था, इसलिए पहला शॉट मैं अपने आप पे मारने वाला हूँ। बिकॉज होता है क्या है कि अगर मैं पहले अपने पे मारूंगा और ये ब्लैंक निकला, व्हाट द हेल भाई, पहला ही शॉट निकल गया। ये तो मैं हारने वाला हूँ यार, प्रो गेम प्ले के नाम पे क्या कर दिया ये। अब वो अपने आप पे मारेगा ऑफ कोर्स, दूसरा भी अपने आप पे मारेगा क्योंकि पता है ना उसे ब्लैंक है। या अबे भाई, अगर वो पहला सही निकल जाता ना तो मैं मार देता इस पे। 3 लाइव एंड 2 ब्लैंक्स। अब उसने लोड कर दिया गन, अब चांस ज्यादा है कि शॉट होगा इसमें, और मैं हारने ही वाला हूँ ये तो, क्या करे। डीलर पे मारते हैं, ब्लैंक निकला ना भाई, नाइस, उड़ गया। दोनों बराबरी पे आ गए, बट इस वक्त वो मार देगा मेरे पे, देखना। या गया है मैं, व्हाट, बच गया। ओ भाई बच गया, अब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसमें बुलेट होने की। नाइस, जीत गया पहला राउंड में। मुझे लग रहा था कि मैं हारने वाला हूँ ये पक्का, बट जीत गया। रैंक विंस, येप। सेकंड राउंड, लेट्स मेक थिंग अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। अब हमें है ना सामान मिलने वाले हैं, 2 आइटम्स ईच, दोनों को दो दो आइटम मिलेंगे और बाद में और भी ज्यादा मिलेंगे। हथकड़ी, तुम्हें पता नहीं क्या क्या काम आ सकती हैं ये चीजें। एंड सिगरेट, अब दोनों को हमें 4 4 लाइव्स मिली हैं, 1 लाइव राउंड और 1 ब्लैंक। ओके, मैं हथकड़ी लगा देता हूँ तो उससे क्या होगा कि इसकी टर्न स्किप हो जाएगी। अब दोनों शॉट मैं मारूंगा तो ऑब्वियसली बात है उसे पढ़ना ही पढ़ना है एक ना एक शॉट। ये ब्लैंक था तो अब इसमें पक्का बुलेट है। अब वो अभी नहीं मार सकता क्योंकि उसे हथकड़ी लगी हुई है। ये ले भाई, अब उड़ गया वो। अब हमें और सामान मिलेंगे एंड देन कंटिन्यू होगी आगे गेम। उसकी टर्न है, वो मारने वाला है अब। 2 सिगरेट्स, बढ़िया। जर्नल रिलीज ऑफ लायबिलिटी, क्या मिला है अभी अभी। 2-2 हैं, चलो दोनों की 50-50% प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, मैं ही मारने वाला हूँ, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। 50-50% है ना, तो मेरे ऊपर भी हो सकता है। बट मुझे यार ये याद नहीं आ रहा कि अगर मुझे शॉट पड़ा ना तो उसकी टर्न स्किप होगी या नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ ना तो बहुत बुरा होने वाला है भाई, हार भी सकता हूँ मैं। चलो रिस्क लेते हैं, रिस्क का ही गेम है ये। नाइस, जीत गया ये, मैं जीत गया भाई, जीत गया। प्रो, मारो भैंस की। एंड अब मैं क्या करने वाला हूं। अच्छा, अब वो मारेगा ना, हाँ अब ये सब कुछ यूज कर डालेगा। भाई बच गया, लाइव रायर निकल गया, नाइस। उसकी हथकड़ी वेस्ट हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
ये तो मैं जीत गया, ये तो ऐसे ही जीत गया मैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, 3 लाइव एंड 2 ब्लैंक। ओके लोड कर दिया उसने, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। 3 लाइव और 2 ब्लैंक हैं। ये नीचे लिख रहा है ना, शूटिंग योर सेल्फ विद ए ब्लैंक स्किप्स द डीलर्स टर्न। इसका मतलब अगर ब्लैंक होगा ना तो ही उसकी टर्न जाएगी, वरना वो मारेगा बाद में। उसके पास हथकड़ी और मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास से वो देख सकता है कि बुलेट है या नहीं इसमें। सिगरेट से क्या होगा कि लाइफ वापस आ जाएगी हमारी, और जो ये कोला है ये एक बुलेट बाहर निकाल देगा इससे। जितनी भी बुलेट्स निकाल सकता हूँ ना मैं निकाल देता हूँ। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। अगर इसमें ब्लैंक निकला ना तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नाइस भाई, यही तो चाहिए था। गया तू, अरे भाई गया, मौका ही नहीं देना है उसे मारने का। अभी तक उसने एक बार भी नहीं मारा मुझे, बहुत बढ़िया जा रही है गेम। अब मार सकता है बट वो, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास है उसके पास, मारेगा ही मारेगा, देखना वो। अब गया मैं, पता है मुझे गया। वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा क्या दिख गया तुझे? सिगरेट भी ले रहा है वो, लाइफ बढ़ जाएगी उसकी। बीड़ी सिगरेट का हर गश आपके लिए नुकसानदायक है। सेफ खेलना चाह रहा है वो अब, पूरे आइटम्स गए पर उसके। यस शॉट है इसमें, पता है यार पता है। ओके अब उसमें एक शॉट और एक ब्लैंक बाकी है। व्हाट, ये क्या हुआ, शॉट कहां पे गया? चलो शायद गलत गिना होगा मैंने। नाइफ, इससे क्या होता है कि एक बुलेट से ही डबल डैमेज बढ़ती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और मैं जीत सकता हूँ, मैं 100% जीत सकता हूँ भाई। 3 एंड 3। ओके 3 लाइव और 3 ब्लैंक। मुझे थोड़ा बढ़िया तरीके से खेलना पड़ेगा इसे, मैं जीत सकता हूँ ये वाला राउंड। पहले तो बुलेट निकालते हैं भाई, मुझे चांस नहीं लेना बिल्कुल भी। शॉट निकल गया, व्हाट द हेल। एक और निकालो यार, प्लीज शॉट नहीं प्लीज। नाइस 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 नाइस, अब देखते हैं। शॉट है इसमें, जीत गया मैं, जीत गया जीत गया। इससे डबल डैमेज पड़ेगी तो दोनों लाइफ चल जाएगी उसकी एक ही बारी में। मर तू, गया। आई चैंपियन, आई एम द चैंपियन, चैंपियन चैंपियन चैंपियन। अब आ गया लास्ट वाला राउंड, आई थिंक इसमें थोड़ा हार्ड होने वाला है। लॉन्ग लास्ट वी अराइव्ड एट द फाइनल शोडाउन। यप, नो मोर डिफिब्रिलेटर्स दैट यू हैड। ओके, वी आर डांसिंग ऑन द एज ऑफ द लाइफ। भाई कुछ ले आया है तो, कनेक्टिंग कुछ कनेक्ट हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। आइटम्स गए हमारे, व्हाट, अच्छा नए आइटम दे रहे हैं वो, 4 आइटम्स ईच। ओके 4 आइटम्स मिलेंगे, 2 चक्कू 1 सिगरेट एंड 1 हथकड़ी। इतनी सारी लाइफ्स, यू नो द ड्रिल। यप आई नो व्हाट। अरे यार मैंने देखा ही नहीं कितनी बुलेट्स थी, मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक 2 ब्लैंक्स थे और 1 बुलेट। तो पहले मेरे पे मार के देखूं, मारता हूं, उसकी टर्न स्किप हो जाएगी। व्हाट, अबे क्यों हुआ ये? अब उसमें ब्लैंक है ऑब्वियसली, शॉट तो मार लिया मैंने, मेरे पे खुद पे मारेगा वो। या अब दूसरा खुद पे ही मारेगा, ब्लैंक है ना उसमें। अब और आइटम्स मिल जाएंगे हमें। अरे कितने आइटम्स, फुल हो गया मैं तो। ये हुई ना बात, 4 राउंड 4 ब्लैंक। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है मैच, क्योंकि बहुत 50-50 है। पहले तो एक बुलेट निकालते हैं जिससे थोड़ा पता चले आगे क्या करना है। अगर ब्लैंक निकला, अबे भाई शॉट हर बार, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं गेम वाले। अब इसमें ब्लैंक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट बुलेट भी हो सकती है, इसलिए चांस नहीं लेना। सिगरेट लेते हैं पहले, ताकि हमारी एक लाइफ वापस आ जाए। रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, जीतना चाहता हूँ मैं ये। ऐसा करते हैं उसे हथकड़ी पहनाते हैं पहले, अब इसकी नेक्स्ट वाली टर्न स्किप हो जाएगी। और मैं ऐसा करता हूँ पहले इस पे मारता हूँ, अगर ब्लैंक निकला ना तो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
अरे कटर यूज नहीं किया मैंने, गलती कर दी। अब मैं देखता हूँ उसमें ब्लैंक है या बुलेट है। इसमें ब्लैंक है तो मेरे पे मारने वाला हूँ। अबे उसकी टर्न स्किप हो जाएगी अगेन। क्या मैं दोबारा हथकड़ी पहना सकता हूँ? नहीं। व्हाट, बहुत बुरा हो रहा है ये तो। ये यूज करो, इसमें शॉट होना चाहिए पक्का। वैसे जरूरी नहीं है बट स्टिल नाइस। पूरे चांस लेके खेल रहा हूँ मैं ये गेम, मौका नहीं देना है उसे बिल्कुल भी। देखते हैं क्या करता है वो। वो धड़ाधड़ मारने वाला है अब देखना, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं इस वक्त। सिगरेट ले ली उसने, लाइफ बढ़ गई। एक और सिगरेट थी उसके पास। अबे ध्यान नहीं दिया मैंने, फुल हो गई उसकी तो। ब्लैंक निकाल दिया, मर गया मैं। अब डबल मारेगा वो, वेरी इंटरेस्टिंग। यप पता था मुझे डबल मारेगा वो। गया मैं, हथकड़ी भी पहना दी, यानी तीन शॉट मारेगा वो मुझे। भाई खत्म हूं मैं, खत्म हूं मैं। दोबारा मारेगा वो, अभी भी डबल ना मार दे बस। इस बारी भी डबल ना मारे वो प्लीज। अच्छा खुद पे मार रहा है बंदा, जानता है भाई, रिस्क ले रहा है पूरे। इसका एआई तो बहुत स्मार्ट है। पूरे बुलेट्स गई, देखते हैं क्या क्या है। चक्कू मिला है, मैग्नीफाइंग ग्लास, सिगरेट और एक और मैग्नीफाइंग ग्लास, बहुत बढ़िया। तीन शॉट दो ब्लैंक। यार ब्लैंक हुआ ना तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। पहले सिगरेट लो और दूसरी भी ले लेते हैं, कब काम आएगी ये। बढ़िया, क्या करूं देखूं मैं, पहले देखता हूं मैं क्या है इसमें। ब्लैंक है, व्हाट, ब्लैंक आता ना तो गुस्सा आता है हर बार। उसकी टर्न तो स्किप हो गई पर मेरा एक आइटम भी गया। अब इसमें बुलेट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं ऐसा करता हूँ हथकड़ी पहनाता हूँ, ड्यूअल मारता हूँ बिना देखे, क्योंकि एक ही ब्लैंक है बस इसमें। अब मरेगा अब तू, नाइस। अभी भी उसमें एक ही ब्लैंक है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बुलेट की। दो बुलेट्स है ना उसमें अभी। यप देखू, यस देखते हैं, बुलेट होनी चाहिए इसमें। नाइस, मर गया तू। अरे गया भाई गया, मैं उसको चांस ही नहीं दे रहा हूं किसी भी चीज का। चल खत्म, एक लाइफ बची है बस उसकी। बट उसके पास सामान इतना है ना, मैं क्या बताऊं। पर इसमें ब्लैंक बचा है बस, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू रेडी, सरप्राइज दे रहा है हमें। व्हाट, उसकी लाइफ गई कैसे भाई? मैंने देखा हुआ है वीडियोस बट स्टिल यार मुझे पता नहीं है क्या क्या आने वाला है आगे। ब्लैंक है उसमें। अरे भाई कहां से आई बुलेट इसमें? तीन बुलेट्स थी ना, अच्छा तीनों हो गई अब। ओके ब्लैंक है इसमें, अब खुद पे मारेगा वो। चलो भाई अगला राउंड दो, सारा सामान खत्म हो गया मेरा, उसके दो आइटम्स बाकी है पर अभी भी। सिगरेट्स तो दे दी, चलो लाइफ फुल हो जाएगी मेरी। ये बहुत सही है, ये बहुत ज्यादा सही है ये। आई थिंक मैं गेम को इसी शॉट में खत्म कर दूंगा, देखना। फुल हो गई लाइफ मेरी, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते ही शॉट निकल गया ना तो खत्म है गेम। ब्लैंक, व्हाट द फक, प्लीज अगला ब्लैंक ना हो, इतना तो खराब नहीं होना चाहिए मेरा लक। है क्या? आई नो भाई, रियल लाइफ में तो बहुत खराब है मेरा लक, बट गेम में भी खत्म। ये भाई जीत गया, खत्म डीलर, एकदम प्रो भाई। क्या खेला हो भाई, तालियां तालियां बजाओ भाई, तालियां।
क्या दिया इसने? ब्रीफ केस। डॉलर्स दिए हैं भाई, डॉलर्स। इतने तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे पैसे। म्यूजिक चल गया, फील आ रही है एकदम। निकल लिए पैसे एंड शॉटगन लेके हम तो। कॉन्ग्रेचुलेशंस रैंक, 16 शॉट्स फायर किए हैं मैंने, 36 शेल्स इजेक्टेड, डोर्स किक 2। अच्छा डोर और भी किक कर सकते हैं हम, और भी डोर्स है क्या इसमें? सिगरेट स्मोक 5, ml ऑफ बियर ड्रिंक, 1 लीटर से भी ज्यादा दारू पिया हमने, और काफी सारा कैश मिला है। खत्म भाई गेम। बहुत छोटी गेम है बट स्टिल बहुत इंटरेस्टिंग है। डबल और नथिंग अनलॉक्ड, न्यू मोड अनलॉक हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये थी बग शॉट रूलेट। आई होप तुम्हें मजा आया होगा देखने में। अगर तुम्हें भी खेलना है तो जाओ जाके खेलो यार, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ये। और अभी तो बहुत सारा कंटेंट बाकी है इसमें, अभी खत्म नहीं हुई ये गेम। बाकी की चीजें इसी के नेक्स्ट एपिसोड में डालने वाला हूँ मैं। तब तक के लिए गुड बाय।